उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आवाज। R9 टीवी की टीम पहुंची सबके द्वार। महंगाई पर हो अब अंतिम प्रहार। छात्र मांगे बेहतर शिक्षा और रोजगार। किसान नौजवान भी लगा रहे गुहार। महिलाओं पर भी कम नहीं है भार। क्या अब की बार व्यापारियों की आएगी बहार। बीस में सबका उद्धार करो सरकार। बजट से पहले बोल रहा यूपी। सुनिए सरकार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सुनिए सरकार और मैं हूं आपके साथ जब्बार खान। केंद्र सरकार के आम बजट के बाद अब बारी है यूपी बजट की। योगी सरकार से उत्तर प्रदेश की जनता को क्या क्या उम्मीदें हैं ये जानने के लिए R9 टीवी की टीम शहर शहर गांव गांव पहुंची। लोगों ने क्या कहा ये जानने के लिए देखते रहिए सुनिए सरकार। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि इस बार यूपी के बजट में क्या खास होगा, क्या पिछली बार से ज्यादा इस बार का बजट होगा, बजट में योगी सरकार का फोकस किन किन चीजों पर होगा, देखिए खास रिपोर्ट। जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़े प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश की जनता अब की बार योगी सरकार से बहुत उम्मीदें लगाई बैठी है। किसान नौजवान व्यापारी सबको इस बार योगी सरकार से बहुत कुछ चाहिए, जबकि छात्रों और महिलाओं को भी योगी सरकार बजट में बड़ा तोहफा दे सकती है। उत्तर प्रदेश की जनता योगी सरकार से क्या मांग रही है ये हम आपको आगे एक एक जिले की आवाज़ सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं 2020 के बजट में योगी सरकार का किस किस पर फोकस हो सकता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए पेश किए जाने वाले इस बजट में विकास के साथ रोजगार की योजनाओं पर सरकार का फोकस होगा। 18 फरवरी को दोपहर 12:30 बजे योगी सरकार अपना चौथा बजट पेश करेगी। एक अनुमान के मुताबिक इस बार यूपी सरकार का बजट 5,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का होगा। पिछले साल यानी 2019 में योगी सरकार ने 4,79,701 करोड़ 10,00,000 रुपए का अपना तीसरा बजट पेश किया था। एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP योजना पर फोकस बरकरार रहेगा। इसमें कुछ नए कंपोनेंट जोड़े जा सकते हैं, वहीं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अपने एजेंडे को योगी सरकार धार दे सकती है। राम मंदिर के निर्माण और श्री राम की प्रतिमा से जुड़े प्रोजेक्ट के मद्देनजर अयोध्या के लिए एक बड़ा ऐलान हो सकता है, जबकि धार्मिक स्थल काशी मथुरा और विद्यांचल में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार का ध्यान होगा। तो इसी साल होने वाले पंचायत चुनाव के मद्देनजर गांव और किसानों के लिए भी सरकार दरिया दिली दिखा सकती है। कुल मिलाकर इस बार योगी सरकार बजट में लोगों को क्या क्या देती है, क्या इस बार का यूपी में बजट यादगार होगा, इस पर सबकी नजरें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट R9 टीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मगर योगी सरकार का बजट कैसा होगा इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर से करते हैं। गोरखपुर के युवा किस तरह से गाना गाकर बजट में क्या मांग कर रहे हैं सुनिए।
योगी सरकार का बजट पेश होने वाला है। बजट पेश होने पर पूर्वांचल की जनता, खास तौर से गोरखपुर की जनता क्या सोचती है, गोरखपुर के युवा क्या सोचते हैं और क्या मांग करते हैं, आइए संगीत के माध्यम से युवाओं से ही जानते हैं आखिरकार संगीत के माध्यम से किस तरह की मांग आने वाले बजट में ये लोग कर रहे हैं। यूपी में धीरे धीरे योगी जीवा, योगी जीवा। यूपी में धीरे धीरे योगी जीवा, योगी जीवा। सुशासन लौट है आया, योगी जीवा, योगी जीवा। यूपी में धीरे धीरे सुशासन लौट है आया, योगी जीवा, योगी जीवा। योगी जी कोई ढूंढे मजहब, कोई ढूंढे जतिया, हम ढूंढे अपनी नौकरिया को, बजट में पास करा दो, योगी जीवा, योगी जीवा। नौकरी आम करा दो, योगी जीवा, योगी जीवा। यूपी में धीरे धीरे योगी जीवा, योगी जीवा। सुशासन लौट है आया, योगी जीवा, योगी जीवा। सारे राज के नर नारी बैठे आस लगाए हैं, सारे राज के नर नारी बैठे आस लगाए हैं, अब की बजट लाए खुशहाली, हर जीवन हर साए हैं। अब की बजट लाए खुशहाली, हर जीवन हर साए हैं, हर जीवन हर साए योगी जी फसले भी लहराए, हर जीवन हर साए योगी जी फसले भी लहराए। खाद कोई ऐसा ला दो, खाद कोई ऐसा ला दो, योगी जीवा, योगी जी। सभी के भाग्य जगा दो, योगी जीवा, योगी जीवा। खाद कोई ऐसा ला दो, सभी के भाग्य जगा दो, योगी जी। मधुकर बिना जैसे सुनी लागे कलिया, यूपी के आप हो के भैया, पास करा दो, को पास करा दो, बजट को पास करा दो, नौकरी आम करा दो। तो इस गाने के जरिए से आपने समझा कि इनके आखिर बागे क्या है। मगर आपको गोरखपुर में छात्रों की आवाज सुनाते हैं। स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने वाले छात्र योगी सरकार से बजट में क्या मांग कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सोच सकती है, जैसे मतलब शिक्षण संस्थानों को बढ़ा, वो मतलब बढ़ाने का वो किया जा रहा है, प्रस्ताव किया जा रहा है, और मेडिकल कॉलेज वाले उम्मीद है। हाँ बिल्कुल उम्मीद है। एजुकेशन को और बेहतर बनाना चाहिए सरकार को, मतलब स्कॉलरशिप देनी चाहिए ताकि बच्चों को प्रमोट मिले, अच्छे से स्कॉलरशिप दें। हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, हमें यही उम्मीद है सरकार से। जैसे गवर्नमेंट स्कूल की हालात ख़राब है तो वो उनके लिए और ज़्यादा पैसे दे सकती है। पैसे तो देखिए बाहर बजट में आता है, भ्रष्टाचार की वजह से बीच में गायब हो जाते हैं, तो बजट अब और क्या कर सकते हैं, वो इम्प्रूवमेंट के लिए ये मकान, इसके बिल्डिंग्स के, स्कूल के इम्प्रूवमेंट के लिए पैसे दे सकती है। एजुकेशन के लिए वैसे तो पैसा मुझे कम लगता नहीं है, गवर्नमेंट टीचर को देख लीजिए कितनी सैलरी मिलती है, पढ़ाते कहाँ हैं वो लोग। अब एजुकेशन को लेकर देना चाहिए क्योंकि योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और वो तमाम शिक्षण संस्थाएं चलाते हैं और उनको शिक्षकों की दशा और दिशा के बारे में बहुत कुछ जानकारी है। तो ये तो रही गोरखपुर शहर की उम्मीदें जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है। मगर आपको पूर्वांचल के एक और शहर भदोही लिए चलते हैं। यहां पर नौकरी पेशा, छात्र, किसान, व्यापारी योगी सरकार से बजट में क्या चाहते हैं, जानिए उन्हीं की जबानी। जीएसटी वगैरह के कारण जो महंगाई अचानक से बढ़ी है, विशेष रूप से रोजमर्रा की चीज़ें आप ले लीजिए जैसे सब्जी है या अन्य चीज़ें हैं, वो महंगी हुई हैं। तो सरकार को एक ऐसी बजट लाना चाहिए जो हमारा गरीब तबका है, कमजोर तबका है, वास्तव में जो आप सोचिए कि दिहाड़ी मजदूर है, उसके घर में क्या दाल और रोटी और सब्जी, आलू की सब्जी नहीं बन पा रही है। तो ऐसा बजट कम से कम लाएं। हम टैक्स करते हैं, व्यापारी भी टैक्स करता है, इसलिए करता है कि जो कमजोर तबका है, जो अपना स्वयं बहुत ज़्यादा अर्जन नहीं कर पाता, तो उसको खाने की तो अच्छी चीज़ें मिलेंगी। तो ये गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा उम्मीद ये होगी। और दूसरा, हम लोग चूंकि टैक्स करते हैं तो हमें होगा कि महंगाई आप जान ही रहे इतना बढ़ गया, केवल थोड़े से ही अमाउंट पे आप इतना सारा टैक्स लगा देंगे तो हम अपनी ज़रूरतें कैसे पूरी कर पाएंगे। हर चीज़ पे आपने टैक्स किया हुआ है,
एक तो हम अपने इनकम पर टैक्स दें, फिर जीएसटी के नाम पे हर सामान पर टैक्स दे रहे हैं, तो उस पर थोड़ी रियायत होनी चाहिए। सबसे पहले जो किचन में चीज़ें यूज होती हैं वो आप प्याज को ही ले लीजिए, लहसुन इतना 80 रुपये 250 ग्राम में आ रहा है, तो उसका प्रभाव बजट पे पड़ेगा। जो और लोग हैं, आम जनता है, 80 रुपये का 250 ग्राम जो लहसुन आ रहा है, 100 रुपये केजी प्याज बिकी है, वो आम जनता के लिए तो सुलभ हो पाना ही मुश्किल है ना, वो तो सोच ही नहीं सकता है इस विषय में। तो उन सब चीज़ों को विचार में ध्यान में रखते हुए एक ऐसे बजट की संकल्पना प्रस्तुत की जाए जिसमें सभी वर्ग, सभी जाति और सभी लोग सबलता से उसमें सर्वाइव कर पाए। अब हम लोग शिक्षा में है तो हम लोग तो चाहिए था कि शिक्षा के लिए जैसे तमाम फीस वगैरह बा बहुत ज़्यादा बा ओके कम करें, ओके परीक्षा प्रक्रिया जोन चलत है या परीक्षा प्रणाली जोन बा उमन सुधार लिया हुआ बहुत धांधली फांधली सब टाइप का सब होत है। ओकरे बाद हम लोग चाहिए था कि यूनिवर्सिटीज और खुलें, जो ने लड़कन जहाँ दूर दूर गाँव से आवत हैं तो उन लोग के नज़दीक होए कॉलेज खुले, उस सब में कोई ध्यान नहीं। अभी हम लोग तो यही उम्मीद करब एक छात्र होए के नाते लोग को कुछ तीरत बरत कराई में 80 बरस में कुछ दे लें तो हम लोग तीरत बरत कर ले, नहीं तो हम लोग परेशान है। कुछ आए आमदनी कम बहाय, लड़कन भी बेचारे कुछ नहीं ले पावत है, उन्हू अपने में परेशान हैं, आमदनी कम हो गई है, अब करें क्या। हम लोग मजबूर हैं, बैठे हैं, घूम घाम रहे हैं मंदिरों पर, अपना आके फिर घर बैठ जाते हैं। बजट ऐसा हो चाहे कि जैसे हम लोग मध्यम वर्ग के व्यापारी है और ऐसा बजट आओ कि जैसे मध्यम वर्ग के लोगों की बेनिफिट हो, टैक्स कम लगाए जैसे कि और सब काम काज में राहत मिले। सरकार से यह उम्मीद बा कि गरीब मध्यम वर्ग के लोगों भी था टैक्स में कमी रहे और जैसे कमजोर लोगों के थोड़ा सा बेनिफिट मिले। पूर्वांचल का है एक और इलाका महाराजगंज, जहां की जनता बजट से किस किस्म की उम्मीदें योगी सरकार से कर रही है, सुनिए उन्हीं की जबान में। आगामी 18 फरवरी को यूपी की योगी सरकार बजट ला रही है और हमारे साथ कुछ लोग हैं बातचीत करने के लिए, इनसे जानने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि आगामी बजट से ये क्या चाहते हैं। भैया ये बताइए, 18 फरवरी को योगी सरकार अपनी बजट ला रही है तो क्या चाहेंगे आप अपने लिए? हम चाहेंगे कि जो रोजगार के अवसर हैं उसको मुहैया करावे। ये उत्तर प्रदेश में बहुत से बेरोजगारी लड़के जो है वो महाराष्ट्र, दिल्ली, बम्बई, गुजरात, अन्य शहरों में जाकर के सर्विस कर रहे हैं और वो भी मजदूरी कर रहे हैं, उनकी जो प्रतिभा है उसका जो है बिल्कुल जो है वो उपयोग नहीं हो रहा है। तो योगी सरकार यहाँ पे जो है जब तक कोई अच्छी फैक्ट्रियाँ या कोई अच्छी योजनाओं का जो है क्रियान्वयन नहीं करेंगे तब तक ये प्रदेश सुधरेगा नहीं और बेरोजगार हमेशा जो है मात खाता रहा। अब बेरोजगार इस बार बहुत आशा लगाया हुआ है कि योगी सरकार जो है ऐसी योजनाओं का क्रियान्वयन करे कि जिससे बेरोजगारी घटे और जो है हमारे प्राइवेट स्कूल के जो फीस वगैरह बढ़े हैं, तमाम जो लोग पढ़ाना चाह रहे हैं बच्चों का, इतनी ज़्यादा फीसें हैं कि उनका जेब कट जा रहा, मीडियम वर्ग वाले मारे जा रहे हैं, जो ठेला चला रहे हैं, जो सब्जी बेच रहे हैं उनके लिए भी जो है कोई गवर्नमेंट ऐसी लोन नहीं कर रही है जिसे तुरंत मिले, सिर्फ एक कागजी बन करके रह गया है। हम लोग चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ करें, उसका लाभ हम लोगों को मिले, आम लोगों को मिले। एक और युवा हमारे साथ हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि योगी सरकार से इनको क्या उम्मीदें हैं। भाई साहब क्या उम्मीदें हैं योगी सरकार से आपको? हम जैसे बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिले और योगी सरकार से हमारी यही विनती है कि चिकित्सा के क्षेत्र में जो यहाँ से लखनऊ जाते हैं, जैसे PGI हुआ, KGMC हुआ, एम्स हुआ, वहाँ इमरजेंसी वार्ड का सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है कि यहाँ से कोई मरीज अगर वहाँ जाता है तो इमरजेंसी के लिए कभी इस वार्ड में कभी इस वार्ड में कोई जानकारी नहीं हो पाता है। मतलब गरीब हुए या फिर अनपढ़ हुए, सारे लोग चाहते हैं कि हमें चिकित्सा अच्छा मिले या फिर हमारे डॉक्टर सही से हमें सलाह दें, तो ऐसा मेरा बजट से आग्रह। तो ये थे हमारे साथ महाराजगंज के लोग, जिनका साफ तौर पर कहना है कि योगी सरकार की जो आगामी बजट आ रही है स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार चाहते हैं। जियाउद्दीन अंसारी, R9 TV, महाराजगंज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लोग इस बार योगी सरकार के बजट से क्या चाहते हैं, ये जानने के लिए R9 TV के संवाददाता संदीप खेर पहुंचते हैं। क्या उनकी बातचीत हुई, लोगों की उम्मीदें आकांक्षाएं किस तौर पर हैं इस बजट से, आइए समझते हैं।
18 फरवरी को यूपी सरकार अपना बजट पेश करेगी और यूपी के लोगों से हम जानते हैं कि आखिर इस बजट में योगी सरकार से वो क्या चाहते हैं। चाचा, क्या चाहते हैं इस बार के बजट में आप योगी सरकार से? भाई, गरीबों के लिए मतलब सहायता होना चाहिए, अमीरों के लिए मतलब अब तक होता आ रहा है, गरीबों के लिए होना चाहिए। शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ यहाँ पे भैया और मौजूद हैं। भैया, आपसे भी जानेंगे क्या चाहते हैं आप, इस बार जो बजट आ रहा है उसमें ऐसा क्या होना चाहिए? गरीबों के लिए होना चाहिए बजट, होना चाहिए और शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, और जैसे जो ये शहर के अंदर जाम आम लगता है, महंगाई थोड़ी कम होनी चाहिए ताकि गरीब आदमी को राहत मिले। जी, है न। शुक्रिया बात करने के लिए। आपका क्या कहना है इस बजट में, आप क्या उम्मीद रखते हैं? हम ये उम्मीद रखते हैं कि जो बजट आ रहा है उससे गरीबों का भला होना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए और शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। चलिए, शुक्रिया। आपका क्या कहना है भैया, क्या लगता है आपको इस बार के बजट में ऐसा क्या होना चाहिए जिससे कहीं ना कहीं से जो आप लोगों की एक उम्मीदें हैं वो कायम रहें? सबसे पहले जो हॉस्पिटल हैं सर, हॉस्पिटल खुले हैं, वहाँ पर दवा और डॉक्टरों की व्यवस्था होनी चाहिए, और एजुकेशन के लिए स्कूल में अच्छे ट्रेंड स्कूल भर्ती किए जाने चाहिए, और जैसे बिजली है और पानी का जो टैक्सेशन जो व्यवस्था है उसको एक दुरुस्त करके, और जो मिसयूज हो रहा है उसको ख़त्म करना चाहिए, और जो ड्यूज है उसको वसूल करने का सही व्यवस्था दुरुस्त करनी चाहिए सरकार को। अच्छा, चलिए भैया, आप क्या चाहते हैं भाई, यूपी सरकार में जो बजट आ रहा है क्या उम्मीद है आपकी? अरे, हम ये चाह रहे थे कि हम लोगों के लिए, गरीब आदमियों के लिए भले हित में होना चाहिए। भैया, कैसे देखते हैं इस बार के बजट को, योगी सरकार का जो बजट है क्या होना चाहिए उसमें? बजट के लिए तो साफ जो भी है जैसा भी आगा वो तो वो लोग जानते हैं, लेकिन बेरोजगारी का बहुत आज भी ऐसे ही मामला है। रोजगार के लिए थोड़ा ज़्यादा ध्यान में रख के काम कराया जाए और किसानों के लिए ध्यान दिया जाए, थोड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। शुक्रिया। तो हमारे साथ तमाम लोग मौजूद थे, यूपी के लोग मौजूद थे, जिनका साफ तौर पे कहना यह है कि योगी सरकार जो अपना बजट लेकर आ रही है, बेरोजगारी पर होना चाहिए, किसानों पर होना चाहिए, नौकरी पर होना चाहिए, तमाम तरह की उनकी एक उम्मीदें हैं। साफ तौर पे उनका कहना यह है कि अब आने वाले समय में देखना होगा कि आखिर बजट हम लोगों के लिए कितना फायदे का होता है और कितना नुकसान का। संदीप खेर, कैमरा पर्सन अमीश के साथ, R9 TV, उत्तर प्रदेश। मोहब्बत की नगरी ताज नगरी यानी कि आगरा। लोगों को इस बार बजट में योगी सरकार से यहां पर किस किस्म की उम्मीदें हैं, हमारे सहयोगी संवाददाता शिव चौहान हर वर्ग के लोगों के बीच में पहुंचे। इस दौरान किसने क्या कहा, किसको बजट में क्या चाहिए, सुनिए। योगी सरकार 18 फरवरी को बजट पेश करने वाली है। अन्नदाता कहे जाने वाले किसान को इस बार इस बजट से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि पूर्व में जितने भी बजट पेश हुए हैं किसान, हर बार किसान को निराशा ही हाथ लगती है, लेकिन इस बार 18 फरवरी को योगी सरकार जो बजट पेश कर रही है उसमें किसान काफ़ी उम्मीद लगाए बैठा हुआ है। हमारे साथ किसान मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि 18 फरवरी को जो बजट पेश हो रहा है वो क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं, योगी सरकार से क्या मांगते हैं, क्या बजट में क्या करें आप? जी, लाभ मिले किसानों को, किसान संबंधी और क्या है जी, और का सब चीज़ें की सुविधा मिले किसानों की, जितनी संबंधित चीज़ें हैं उसमें लाभ मिले। उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अब के बजट में सबसे पहले तो किसान यहाँ परेशान है, गाय बाजारों से गौशाला बननी चाहिए क्षेत्र में जी, और जो खाद पर पैसा इतना बढ़ गया है कि इसकी खाद की रेट कम होनी चाहिए। योगी बाबा से उम्मीद है कि ये सारी व्यवस्थाएं, जैसे गाय ज़्यादा हैं, इनकी व्यवस्था गौशाला बननी चाहिए, और बिजली फिजली में सुधार होना चाहिए, और जी लगता है आपको इस बार योगी बाबा आपकी सुनवाई करेंगे? योगी बाबा तो सुनवाई कर सकते हैं, पर जो बीच में जो बैठे हैं, दलाल बैठे हैं, ये नहीं होने दे रहे हैं पूरा काम। कहीं भी चले जाओ, चाहे बैंक में चले जाओ, चाहे तहसील में चले जाओ, चाहे थाने में चले जाओ, सब चोर बैठे हुए। योगी बाबा सब व्यवस्था सही कर लो, उम्मीद है आपको। बिल्कुल, ये दर्द था उस अन्नदाता का जो खेती करता है, और 18 फरवरी को योगी सरकार बजट पेश कर रही है और काफी उम्मीदें लगा के बैठी है कि इस बार योगी सरकार अन्नदाता कहे जाने वाले किसान की तरफ जरूर ध्यान देंगे।
इस वक्त पहुंच चुके हैं एक चाय की दुकान पर, जहां लोग चाय की चुस्कियों के साथ बजट की चर्चा कर रहे हैं और उनसे पूछेंगे कि इस बार बजट में क्या खास हो कि उन्हें खुशी मिले। और ये लोग देख सकते हैं चाय की दुकान पर बैठे हुए चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, बजट को लेकर इनसे बात करेंगे। आप बताइए, योगी सरकार बजट पेश कर रही है, ऐसा क्या पेश होना चाहिए कि आपको खुशी मिले? उत्तर प्रदेश सरकार से मुझे निश्चित ही उम्मीद है कि वो अपने बजट को अच्छी तरह ही पास करेगी, सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए, सभी शिक्षा चिकित्सा पे ज़्यादा काम करेगी। निश्चित रूप से प्रदेश सरकार का बजट अच्छा ही आएगा। भैया जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप बताइए भैया जी, इस बार योगी सरकार 18 फरवरी को बजट पेश कर रही है, ऐसा क्या बेहतर होना चाहिए कि आपको खुशी मिले? ऐसा एक तो थोड़ा सा किसानों के बारे में सोचना चाहिए और ये जो उद्योग धंधे आजकल चौपड़ पड़े इनके बारे में सोचना चाहिए, जिससे बेरोजगारी बढ़ी हुई है, आम जनता परेशान है। आज ही रसोई सिलेंडर कितना महंगा हो गया, बजट आने से पहले ही तो उसके इन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। मैं इस वक्त लोगों से बात करने के लिए एक रेडीमेड शॉप पर मौजूद हूँ और लोगों से जानूंगा कि इस बार योगी सरकार क्या खास करे, लोगों को थोड़ी सी राहत मिले, खुशी मिले। हमारे साथ दीदी मौजूद हैं, आपसे जानना चाहेंगे, योगी सरकार बजट पेश कर रहा है, बजट पेश कर रही है, तो उसमें क्या ऐसा अच्छा होना चाहिए जो आपको राहत मिलेगी? उम्मीद कर सकते हैं कि शायद योगी जी ये सब करें और एजुकेशन पे थोड़ा और जोर दें। बिल्कुल, योगी सरकार से लोगों को काफ़ी उम्मीद है इस बार बजट को लेकर। और भी लोग रेडीमेड शॉप के अंदर लोग मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे जानने चाहेंगे, बेरोजगार लोग हैं उन्हें रोजगार चाहिए, शिक्षा को लेकर किसानों से बात हुई है। आप बताइए, इस बजट आ रहा है योगी सरकार का, भैया आप क्या चाहते हैं इस बार? हम ये चाहते हैं कि गरीबों को राहत मिले जी और बढ़िया तरह गरीबों का सारा काम सही चले जी। महंगाई बढ़ रही है, महंगाई कम हो और प्लस ये है कि थोड़ा देश के ऊपर भी ध्यान दें जी। अंकल जी, आप क्या चाहते हैं, बजट योगी बाबा बजट पेश करने वाले हैं, क्या चाहते हैं आप इस बार बजट में? हम तो ये चाहते हैं, हमें तो आज ये दिखाई दिया सिलेंडर की रेट आसमान छू गई है जी। खाने के लिए है नहीं, कपड़ा लेने के लिए आए, सोच रहे हैं कि जो ले लें कि ना ले लें, घर में बच्चे परेशान कर रहे हैं कपड़ों के लिए, शादी का माहौल चल रहा है, हम तो जो है बहुत परेशान है भाई। बेरोजगारी तो इतनी हालत ख़राब हो गई है कि हम कुछ कह नहीं रहे हैं कि खाने के लाले पड़े हैं, स्थिति जो इतनी ख़राब हो गई है। अंकल जी, आप बताइए, आप क्या चाहते हैं बजट से? भैया बजट से यही चाहते हैं कि एक तो जो काम धंधे निल पड़े हैं वो थोड़े से आगे बढ़ें, दूसरी चीज़ ये जो महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है जी, वो थोड़ा डाउन हो। उम्मीद है इस बार की आपको जरूर खुशी मिलेगी? हाँ, उम्मीद है, पूरी उम्मीद है योगी सर से, जो भी है वो बजट को इस तरीके से लाएं कि मध्यम वर्ग और गरीब जो नीचे आ गया है उसे लेवल पे ले आए जी। बिल्कुल, R9 TV ने आज किसान, आम जनता, बेरोजगार लोगों से, छात्रें, उनसे बात की, तमाम लोगों से बात की, सबका यही कहना है कि शिक्षा को बेहतर किया जाए, योगी सरकार इस पर ध्यान दे, किसानों के हित में बजट पेश किया जाए, तब जाके कहीं किसान को राहत मिलेगी। और तमाम उद्योगों पर लोगों को जो परेशानी हो रही है उद्योगों से, उस पर भी योगी जी खास तौर से ध्यान दें, तब कहीं जाकर आम जनता को राहत मिलेगी, क्योंकि दिन ब दिन महंगाई से आम जनता पूरी तरह से त्रस्त दिखाई दे रही है। आगरा से शिव चौहान, R9 TV, उत्तर प्रदेश। आलू की खेती के लिए अलग से पहचान और इत्र नगरी के नाम से मशहूर कन्नौज के लोग क्यों परेशान हैं, इनकी मांगें क्या हैं, ये जानने के लिए R9 TV के संवाददाता अमित मिश्रा लोगों के बीच पहुंचे। आगामी 18 फरवरी को योगी सरकार का आम बजट आने वाला है, कन्नौज की जनता क्या कुछ उम्मीद करती है, आइए उनसे जानते हैं। तथा क्या कुछ उम्मीद है योगी सरकार के बजट से? योगी सरकार की बजट से जनता उम्मीद करती है किसानों का कल्याण होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई ऐसी योजना वो लाएंगे कन्नौज के लिए। कन्नौज के आलू की सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन वो आलू पर आज तक हर सरकार कहती रही हम ये बनाएंगे, वो मिल खोलेंगे, चिप्स बनाएंगे, पापड़ बनाएंगे, आज तक किसी ने कुछ नहीं किया। दादा, क्या लगता है, क्या उम्मीद है सरकार से बजट से? कोई उम्मीद नहीं है हमें तो। क्या कुछ होना चाहिए, क्या चाहते हैं? यहाँ GST बंद होना चाहिए पहली बात तो। हम तो मतलब रोज कमाते खाते हैं, वो माल कैसे लाएं, वो GST की वजह से ला नहीं पाते हैं। दिव्यांगों की भी योगी सरकार से काफ़ी कुछ उम्मीद है, एक दिव्यांग हमारे साथ यहाँ पर है, क्या कुछ उम्मीद है इस बार आम बजट से आप? हमको सर कोई उम्मीद नहीं लग रही है, हमको टाय साइकिल को मिलने को थी वो भी नहीं मिली है, और बजट से मेरे को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। नहीं, बजट आएगा तो क्या कुछ होना चाहिए आपके मन से? हमारे से होना चाहिए हम लोगों को रोजगार मिले, हम पढ़े लिखे आदमी हैं और ग्रेजुएशन मेरा BA तक है और मैं
वहाँ साइकिल लेने गया, मैं उसे बोला कि अभी नहीं तुमको मिलेगी, तुम्हारा 50% है, 80% वालों को मिलेगी। सर बजट भी आया था, वो भी वापस हो गया 28 साइकिलों का। और क्या, वो भी वापस हो गया सर। तो क्या चाहते हैं आप सरकार से? सरकार से मैं चाहते हैं कि दिव्यांगों का विशेष ध्यान दिया जाए, कि दिव्यांग जितना गरीब हिंदुस्तान में, इतना कोई भी व्यक्ति गरीब हिंदुस्तान में नहीं है। एक चचा हमारे साथ आए हैं। चचा, आप हाथ से दिव्यांग साइकिल चला के खुद आए हैं, तो क्या कुछ उम्मीद है इस बार सरकार से? सरकार से ये उम्मीद है कि हमारे यहाँ आलू का खेती होता है, आलू के खेती में जो नुकसान हुआ, कई खेत तो ऐसे हैं जिसमें बीजा तक नहीं लौट रहा है, तो उसके लिए गवर्नमेंट हमको हमारे खाते से जो हम वो कराते हैं इसका क्रेडिट कार्ड, उसे पैसा बीमा का कटता है, उसके लिए क्या सोच रही है, क्या हमको दे रही है, उसके लिए हमारा बीमा हमको देना चाहिए, हमारा नुकसान की भरपाई होनी चाहिए, ये हमारा सरकार से अनुरोध है। इत्र नगरी कन्नौज की लोगों की राय है कि बहुत उम्मीद है सरकार से, महंगाई कम हो, आलू के किसानों ने अपनी समस्याएं बताई कि उनकी समस्याओं का निदान हो, फैक्ट्री नहीं है आलू की यहाँ पर, अगर उसका उसके लिए कुछ हो जाए, क्योंकि जगह देखी जा चुकी है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन अभी भी उसमें काम और निर्माण कार्य चालू नहीं हुआ है। अमित मिश्रा, R9 कन्नौज, उत्तर प्रदेश। तो गोरखपुर से लेकर के गाजियाबाद तक के लोगों की उम्मीदें और आकांक्षाएं इस बजट से आपने सुना। उम्मीद हम ये करते हैं कि जब योगी सरकार का ये बजट आएगा तो इन सभी लोगों की उम्मीदें पूरी जरूर होंगी। अभी के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए R9 TV।